चिचोली में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण पर स्वास्थ्य केंद्र बैतूल के नोडल अधिकारी डॉक्टर सोनल डागा, सहयोगी डॉक्टर राहुल आर्य, दंत चिकित्सक द्वारा महर्षि इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में निबंध, भाषण, चित्रकला के अलावा अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई, जिसमें संचालक कमल किशोर आर्य, सेक्रेटरी अमित आर्य, प्रिंसिपल माधुरी देशपांडे ने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया है और पुरस्कार वितरण किया है। इसके बाद यहां पर विद्यार्थियों ने भी एक से बढ़कर कला का प्रदर्शन किया है। डॉक्टर राहुल आर ने कहा कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण पर आगामी कार्यक्रमों में नशा मुक्त समाज बनाने के लिए स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाएगा और उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी। तो वहीं यह भी साफ कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में किस तरीके से यह सब प्रतिबंधित है, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया है। सभी को तंबाकू के निषेध के बारे में बताना चाहती हूँ। तंबाकू सिर्फ उन लोगों के लिए हानिकारक नहीं है जो उसका सेवन करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो उनके आसपास रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए कि रास्ते में चलते हो किसी इंसान ने तंबाकू का सेवन किया है, तो उसके धुएं से या फिर उसके किसी भी गैस से उसे उसके आसपास रहने वाले दूसरे इंसान को उससे हानि होगी। वो श्वास लेंगे और उसका जो धुआं है वो दूसरे इंसान में जाएगा। इसी प्रकार सभी का जो लंग्स में और सभी जगह पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैंसर होते हैं, लंग्स प्रॉब्लम्स और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो तंबाकू के सेवन की वजह से होते हैं। और इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने आस पास के लोगों को भी इससे सतर्क करें और आप भी इसका सेवन ना करें। आज हम लोग चिचोली ब्लॉक में आए हैं, यहाँ पे डॉक्टर राहुल के साथ हमने एक स्कूल में ये तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं, जिसमें निबंध, आपका स्पीच, आपका रंगोली कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन कराया जा रहा है। अभी हम लोगों को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न इंस्टीट्यूट्स में जाकर अपन को तंबाकू फ्री इंस्टीट्यूट्स करने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स करने, उसी के अंतर्गत हम ये जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि बच्चे समझ सकें कि तंबाकू से होने वाले नुकसान क्या हैं और जो उनके साथ में उनके परिवार जन है उनमें कोई अगर तंबाकू की आदत है, कोई खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, आप अगर पान तंबाकू का गुटखा पाउच खा रहा है, तो उनको बता सके कि उनके होने वाले नुकसानों को, ताकि वो कैंसर जैसी बीमारियों के शिकार ना हो सके। चिचोली ब्लॉक में समस्त जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं जो हमने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इन्वॉल्व किया है। 3-4 स्कूलों में भी हो चुका है, महर्षि दयानंद में हो चुका है, स्वामी विवेकानंद में हो चुका है, अभी नेक्स्ट बालाजी कॉलेज में है, उसके बाद आईटीआई संस्थान जो है अपने वहाँ पर ही होने वाला है। संदेश यह समाज को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि तंबाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए, तंबाकू से इतने नुकसान हैं, जैसे कैंसर हो जाना, ओरल कैंसर हो जाता है, तो पेशेंट की स्थिति ये नहीं रहती है कि वो इतना इन्वेस्ट कर सके, मतलब खर्चा कर सकता है, और उसको जब पता चलता है, जब वो थर्ड स्टेज में होता है, तब उसको पता चलता है कि मुझे कैंसर हो गया। तो एक जागरूकता फैला रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत, बच्चों में अवेयरनेस ला रहे हैं, तो बच्चे घर में जाकर के पेरेंट्स हैं, चाचा है, अपने माता पिता रिलेटिव्स को रोकेंगे कि आप तंबाकू मत खाओ, तंबाकू खाने से ये नुकसान होते हैं। टोबैको कंट्रोल के ऊपर प्रतियोगिताएँ रखी गई, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन किया गया, रंगोली कंपटीशन करवाया गया, बच्चों ने भाषण में और निबंध में भी बहुत ही अच्छे से लिखकर अपनी पूरी जो है तंबाकू के खिलाफ पूरा उन्हें अच्छे से उनका वो दिया है, प्रेजेंटेशन दिया। तंबाकू निषेध दिवस पे ये कार्यक्रम किया गया, इसमें सभी बच्चों को समझाइश दी गई कि तंबाकू का सेवन और किसी भी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, खुद भी नहीं करना चाहिए और अपने आस पड़ोस वालों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे इससे दूर रहें और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो हर व्यसन से, तंबाकू, गांजा, चरस, अफीम, इनसे सब दूर रह के अपने जीवन को सुखी बनाएं और निर्व्यसनी रहने का प्रयास करें।